नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पवन। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान 21 अप्रैल तक बंद रखने का लिया फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 350 से ज्यादा पद भरने को दी मंजूरी। एसपी शिमला की अध्यक्षता में हुई क्राइम रिव्यू मीटिंग में एसपी मोहित चावला ने लंबित मामलों को जल्द निपटाने के दिए निर्देश। एसएफआई ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में आरएसएस के लोगों को भर्ती करने का लगाया आरोप, न्यायिक जांच की मांग। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सभी शिक्षण संस्थान 21 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने की भी मंजूरी प्रदान की गई। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि बैठक में कोरोना की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्तुति दी। इसमें कोरोना की वर्तमान स्थिति व वैक्सीनेशन की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे, हालांकि परीक्षाएं यथावत चलती रहेंगी। वन विभाग में 311 पद वन रक्षकों के भरने को भी अनुमति दी गई। कृषि विभाग में 25 पद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अफसर के भरे जाएंगे। केंद्रीय स्वामित्व स्कीम को मंत्रिमंडल में स्वीकृति दी गई है। करुणामूलक आधार पर नौकरी में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में 5% के कोटे में राहत दी गई है। नगर पंचायतों में 5-5 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति पर प्रस्तुति दी गई। प्रदेश में सूखे के कारण आने वाले समय में पानी की कमी हो सकती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी विभागों के साथ बैठक होगी, जिसमें सूखे से निपटने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रेजेंटेशन दी गई, जो दो पार्ट्स में थी। एक पार्ट में COVID-19 की वर्तमान स्थिति क्या है और दूसरे पार्ट में वैक्सीनेशन जो प्रदेश में चल रहा है उसके बारे में स्थिति क्या है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले समाप्त हो रहे थे, लेकिन फिर से इसमें जो है वो इजाफा हुआ है। इस पर जो है वो मंत्रिमंडल ने चिंता व्यक्त की और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को और अन्य विभागों को जो इससे कंसर्न हैं उन्हें स्ट्रिक्ट मेजर्स अपनाने के आदेश दिए। प्रदेश के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे। केवल परीक्षाएं जहां हो रही हैं उससे संबंधित लोग जो हैं वो खुले रहेंगे और परीक्षाएं होती रहेंगी, अन्यथा सभी सरकारी गैर सरकारी जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो बंद रहेंगे। वन विभाग में 311 पद जो है वो भरने की अनुमति प्रदान की है फॉरेस्ट गार्ड्स की, जिसमें 113 पद पहले जो है वो स्वीकृत किए गए थे, तो अब टोटल जो है वो 311 पद जो हैं वो भरे जाएंगे। जो उसका प्रोसीजर है उसको अपनाते हुए इसी प्रकार से 25 पद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स के जो है वो कृषि विभाग में
भरे जाएंगे जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है वो चयनित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से स्वर्णिम हिमाचल पर प्रदर्शनी का उद्घाटन कर चलो चंबा अभियान 2021 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने चलो चंबा का लोगो व चलो चंबा मोबाइल ऐप को भी जारी किया। उन्होंने चलो चंबा अभियान को बढ़ावा देने के लिए सड़क संकेतक भी जारी किया। यह समारोह प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष के अवसर पर आयोजित राज्यत्व दिवस समारोह स्वर्णिम हिमाचल का हिस्सा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से स्वर्णिम हिमाचल पर प्रदर्शनी का उद्घाटन कर चलो चंबा अभियान 2021 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने शिमला से इस आयोजन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि इस समारोह का हिस्सा बनना प्रसन्नता की बात है, लेकिन कोविड-19 ने राज्य को इस कार्यक्रम को वर्चुअली आयोजित करने के लिए विवश कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 3C यानी क्राफ्ट, कल्चर और क्यूजींस पर आधारित है। चंबा के पारंपरिक व बेमिसाल हस्तशिल्प उत्पादों से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री कहा कि यह जिला अपने अद्वितीय व्यंजनों, सांस्कृतिक विविधता और हस्तकला के लिए भी जाना जाता है। जिले को अपार जल विद्युत क्षमता के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि जिले में छोटी बड़ी अनेक जल विद्युत परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है। इससे जिले के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के प्राप्त अवसर प्रदान करने में सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में चंबा ने दो योग्य नेताओं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तुलसीराम और पूर्व राज्य मंत्री मोहनलाल को खोया है। इन दोनों नेताओं ने चंबा जिला के विकास और प्रगति में अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चलो चंबा अभियान का उद्देश्य इस जिला में पर्यटन संबंधी विभिन्न गतिविधियों का विस्तार कर यहाँ के स्थानीय लोगों को उनके घर द्वार पर स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष में इस पहल के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे चंबा जिला में आर्थिक आत्मनिर्भरता के पैच मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे चंबा जिला में आर्थिक आत्मनिर्भरता के नए अध्याय की शुरुआत होगी और यह जिले के पर्यटन परिदृश्य को एक नए आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान से जिले में साहसिक और प्राकृतिक पर्यटन के नए मार्ग खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा जिला का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए जिला को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी जिला योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रयासों से जिले को गरीबी और पिछड़ेपन से मुक्त करने के लिए नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि ब्राउन बियर मोटर स्पोर्ट्स रैली में देशी व विदेशी पर्यटकों को शामिल करने से भरमौर के जनजातीय क्षेत्र कुगती वन्य जीव क्षेत्र में भूरे भालू के संरक्षण के लिए मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूरी सिंह विद्युत परियोजना का जीर्णोद्धार किया जाएगा और इसे पन बिजली संग्रहालय में विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अखंड चंडी महल को धरोहर केंद्र और रंग महल चंबा को कला एवं शिल्प केंद्र में विकसित किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से चंबा में रैली को हरी झंडी दिखाई। आज चलो चंबा अभियान एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम की शुरुआत की है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। चंबा को जहाँ पूरे देश भर में 112 जिले चयन किए गए, जहाँ विशेष ध्यान देने की जरूरत है, विकास को गति देने की जरूरत है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिला के रूप में, उसमें हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जिला चंबा उसमें शामिल किया गया है। चंबा अपने कल्चर के लिए, अपने संस्कृति के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। पर्यटन की दृष्टि से भी यह जिला बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदर स्थान है जो पर्यटकों को आकर्षित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। और ऐसे में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में चंबा के लिए और बेहतर हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को लेकर के काम किया जाए। आज के इस चंबा चलो अभियान के अंतर्गत मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक बहुत ही अलग तरह का इनिशिएटिव आप लोगों ने आज जो लिया, जो मोटर कार और बाइकिंग रेसिंग रैली जो यहाँ पर रखी गई है, स्वाभाविक रूप से ये साहसिक भी है। और चंबा में इसको आयोजित किया गया, उस दृष्टि से इसका अपना एक अलग महत्व भी है। चंबा ने कभी भी आगे चलना नहीं छोड़ा। लगातार जहां आज आप लोगों ने चलो चंबा कहा,
वो तो चंबा की तरफ जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन हम इस बात को भी देख रहे हैं कि चंबा हमें हमेशा जो है वो आगे संघर्ष करते हुए चलता हुआ दिखता है। ये भी हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। यहाँ के लोग जीवन में संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ उतरते हैं और कठिन जीवन की परिस्थितियों में से गुजर करके अपने आप को विकास की राह पर अपने आप को शामिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे लिए बहुत 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 ही प्रसन्नता की बात है। हिमाचल प्रदेश योगासन खेल संघ ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मांग की है कि योगासन को स्कूल से लेकर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। संघ के प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन में राज्यपाल से भेंट कर उन्हें इस संदर्भ में ज्ञापन भी सौंपा और उन्हें योग के प्रचार प्रसार में संस्था के योगदान से अवगत कराया। प्रदेश योगासन खेल संघ के महासचिव विनोद योगाचार्य ने बताया कि राज्यपाल ने संस्था के प्रयासों की सराहना की है और कहा कि योगासन को जीवनचर्या का हिस्सा बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि योग संपूर्ण विश्व के लिए भारत का सबसे बड़ा उपहार है। इससे व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि चरित्र भी श्रेष्ठ रहता है। हिमाचल प्रदेश योग आसन संघ जो है वो एक मान्यता प्राप्त संस्था है और इसके प्रचार और प्रसार के लिए जो है वो इस माध्यम से हम जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में इसको बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि आज के संदर्भ में बात की जाए तो हमारा युवा वर्ग हो चाहे दूसरे अन्य लोग हों, वो हमारे संस्कृति संस्कार इत्यादि से काफ़ी दूर हट रहे हैं। बच्चों में युवाओं में जो है वो नशे की लत जो है वो ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो रही है। इन सभी का निदान करने के लिए योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम उसके ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। हमने महामहिम महोदय जी से ये भी आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी सरकारी स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं या विश्वविद्यालय हैं वहाँ योग शिक्षा को जो है एक अनिवार्य विषय के रूप में जो है वो प्रतिष्ठित किया जाए और उसको उसमें जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए और इसके द्वारा हम नए बच्चों को युवाओं को एक अच्छा प्रशिक्षण दे करके हम राष्ट्रीय पटल के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर जो है योगासन खेल के माध्यम से अपनी प्रतिभाओं को आगे ले जाने में सक्षम हो सकते हैं। इन सारी बातों के ऊपर विचार विमर्श करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो इसके ऊपर पूरा हमें जो है वो अपना समर्थन देंगे और इसके ऊपर विचार करेंगे। राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के 51वें स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के चलते राजधानी शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में भी NSUI का झंडा फहराने के साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर व कांग्रेस नेता व पूर्व उप महापौर हरीश जनाता भी विशेष रूप से मौजूद रहे। NSUI के स्थापना दिवस कार्यक्रम व विशेष रूप से रक्तदाताओं की हौसला अफजाई करने पहुंचे कांग्रेस नेता हरीश जनार्था ने सभी NSUI कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। मुबारकबाद देना चाहूंगा पूरी NSUI को हिमाचल के और सभी ऑर्गेनाइजिंग मेंबर को और मुबारकबाद देना चाहूंगा शिमला सेक्टर की जो NSUI के हमारे यहाँ के बच्चे हैं जिन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ सिंसियर रहे और इस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग किए जाए और आगे आने वाले वक्त में इन्हीं का ही टाइम है और यहीं से जो बच्चे निकल के आगे आएंगे हमारा प्रयास यही रहेगा कि इनको अलग अलग जगह पर और पार्टी के अंदर अच्छी तरह से कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। वहीं NSUI के राज्य अध्यक्ष छत्र सिंह ने कहा कि संगठन के 51वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी के चलते शिमला में जहां संगठन का झंडा फहराया गया तो वहीं रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया जिसमें संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। समस्त हिमाचल प्रदेश वासियों को देशवासियों को एक छात्र आंदोलन है संगठन ने एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन NSUI का आज फाउंडेशन डे है स्थापना दिवस है इस उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश NSUI ने विभिन्न जगह पर विभिन्न कार्यक्रम रखे हैं। जिस तरह से शिमला के पार्टी मुख्यालय में झंडा फहराकर ब्लड डोनेशन है कई जगह पे हम छात्र गरीब छात्रों की मदद करेंगे कई जगह अस्पतालों में जाके फूड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। NSUI
सेवा का दूसरा नाम है, इसीलिए आज भी NSY सेवा भाव से निरंतर अपना काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी NSY हमेशा छात्रों के हित की लड़ाई लड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय NSY। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिमला पुलिस ने कमर कस ली है। बता दें, जिला पुलिस की क्राइम मीटिंग बचत भवन में आयोजित की गई, जिसमें जिला के सभी पुलिस थानों के SHO, DSP व ASP मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता SP शिमला मोहित चावला ने की और सभी पुलिस जवानों को कोविड महामारी से बचने के उपायों, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना और लोगों को महामारी के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही शिमला के थानों में लंबित मामलों को भी जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। शिमला स्थित बचत भवन में आयोजित बैठक की जानकारी देते हुए SP शिमला मोहित चावला ने बताया कि पुलिस का काम कोरोना काल में लोगों को महामारी के प्रति जागरूक करना भी है, ताकि महामारी से बचा जा सके। हालांकि कोरोना वैक्सीनेशन भी चल रहा है, लेकिन फिर भी दवाई के साथ कड़ाई भी जरूरी है। पुलिस जवानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों को जागरूक करने के साथ मास्क ना पहनने और डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करने पर चालान भी करें। इसके अलावा मीटिंग में पेंडिंग मामलों को निपटाने के भी SHO को निर्देश दिए गए हैं। शिमला जिला में केस पेंडेंसी को 20% से नीचे लाने के निर्देश भी SHO को दिए गए हैं। नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान को और अधिक तेज करने के भी निर्देश जारी किए गए। सबसे बड़ा जो हमारे लिए चैलेंज अभी भी बना हुआ है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोविड की सेकंड वेव से हम जूझ रहे हैं। ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टेप वाइज चला हुआ है, तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से सबको कि दवाई भी और कोई ढिलाई नहीं। SHO को यही डायरेक्शन दी जाएगी कि लोगों को गाइड करें और जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियम हैं, कोविड प्रोटोकॉल के नियम हैं, उसका पालन करवाएं। ऑफ कोर्स चलान करना या लोगों से उलझना कतई अलाउ नहीं होगा। जो विजिबली होंगे उन्हीं का सिर्फ चलान किया जाएगा। दूसरा, अभी 31 मार्च के फिगर्स में हमें बहुत एक इनकरेजमेंट मिला कि जो डिस्ट्रिक्ट में पेंडेंसी ऑफ केसेस थी अराउंड 39% थी, जो हम अंडर 25% लेकर आए हैं। फिर भी हमारा जो टारगेट आज मैं इनको दूंगा विल बी बिलो 20%। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन क्या है कि अगर पेंडेंसी थाना लेवल पे कम रहती है तो वो केसेस तुरंत कोर्ट में जाते हैं और न्याय की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। नशे के खिलाफ जो हमारा अभियान है, हाल लास्ट 2 मंथ्स में डिटेक्शन बहुत एग्रेसिव रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन मेरे लेवल पर भी पंचायत स्तर से आ रही है। इसका मतलब लोगों का विश्वास बना है। कृपया करके हमें इन्फॉर्मेशन देते रहें, ये लड़ाई हम सबकी है, हमें अपने युवा को नशे से बचाना है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि नगर निगम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, ऐसे में अब सरकार को इलेक्शन मोड से निकलकर विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। जनता ने जनादेश दिया है, जबकि भाजपा खरीद फरोख्त में लगी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में कांग्रेस विपक्ष के बजाय सत्ता में आने का प्रयास करेगी। शुक्रवार को धर्मशाला में प्रेस वार्ता में डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है। हम मंथन करेंगे, ये कांग्रेस पिछली बार जो सत्ता में थी नगर निगम में, अब हम क्यों पीछे गए हैं। पर आप ये बात मान के चलिए कि किसी भी सरकार के खिलाफ, और वो भी BJP सरकार के खिलाफ, जो राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रदेश स्तर पे भी, कोई भी इलेक्शन लड़ना बहुत ही दमदार काम है। ये संगठन तो उतारते ही उतारते हैं, साथ में पूरी सरकार को भी इलेक्शनों में झोंक देते हैं, जिससे कि प्रजा को नुकसान होता है। तो मेरा मानना है कि हमने सरकार के धन बल के खिलाफ हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म करा है। दुख तो रहेगा कि हम बहुमत नहीं ला पाए, पर फिर भी कहीं संतावना है कि 5 सीटें हम जीते हैं और 2 कांग्रेस विचारधारा के लोग जीते हैं। इससे पिछला इलेक्शन हमारा विधानसभा का हुआ था बाई इलेक्शन, तो उसमें तो हमारे कैंडिडेट अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए थे, पार्टी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाई थी। कि एक बाई इलेक्शन वैसे मुश्किल होता है, ऊपर भाजपा की सरकार थी, पर उससे कंपेयर करें और इस इलेक्शन में वोट परसेंटेज का कंपेयर करें तो कांग्रेस को 34.58% वोट्स मिले हैं और BJP को 34.10% वोट्स मिले हैं। डिप्टी मेयर और मेयर के चुनावों को लेके हम जो भी अभी की भाजपा के पास बहुमत नहीं है, कांग्रेस के पास भी बहुमत नहीं है, तो हम जो हमारे लाइक माइंडेड पीपल हैं, 2 तो हमारे जीते हुए हैं, 7 लोग तो हम होते हैं, 2 लोग और भी हैं, उनसे विचार करेंगे, पर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों व कोरोना की दूसरी लहर के फैलाव को देखते हुए लाहौल स्पीति प्रशासन ने लाहौल में बाहरी राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले कामगारों के लिए कोविड की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि बाहरी राज्यों से जो भी अप्रवासी श्रमिक जिले में प्रवेश करता है, उन्हें अपनी RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना आवश्यक होगा। साथ ही सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना जरूरी होगा।
प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों को देखते हुए लाहौल स्पीति प्रशासन सख्त हो गया है। बता दें, लाहौल में बाहरी राज्य से जिले में प्रवेश करने वाले कामगारों के लिए कोविड की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस दौरान उपायुक्त लाहौल स्पीति पंकज राय ने सभी ठेकेदारों को अपने कामगारों के कोविड टेस्ट करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते खतरे के चलते सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सामाजिक गतिविधियों, सभाओं व एक जगह इकट्ठे होने वाले आयोजनों से बचें व कोरोना से बचाव को लेकर जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। बहुचर्चित कोटखाई गुड़िया मर्डर केस में शुक्रवार को डबल बेंच कोर्ट मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ के समक्ष मामले पर सुनवाई हुई। मामले में दोबारा से जांच होगी या नहीं, इसके लिए अगली सुनवाई 3 मई को निर्धारित की गई है। गुड़िया के परिजन CBI जांच से असंतुष्ट है और मामले में फिर से जांच करने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को हिमाचल हाईकोर्ट में रखने की बात कही थी। गुड़िया के परिजनों के वकील आशीष जमालटा ने बताया कि आज हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई 3 मई को रखी गई है। उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट मामले की फिर से जांच के आदेश जारी करेगा। गुड़िया 4 जुलाई 2017 को स्कूल से घर लौटने के बाद से लापता हो गई थी और 6 जुलाई की सुबह उसका शव बरामद हुआ था। प्रदेश में हंगामे के बाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें से एक सूरज को लॉकअप में मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद CBI ने सूरज की हत्या के आरोप में प्रदेश पुलिस के IG जहूर जैदी समेत 8 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया था। गुड़िया रेप एंड मर्डर केस है जो आज लगा था माननीय उच्च न्यायालय में, उस पर कुछ मुद्दों पर बहस हुई जो कोर्ट ने हमको 3 मई तक का टाइम दिया है उन प्रोविजंस को देखना, और उसके 3 तारीख को जो है उसकी सुनवाई होगी। ये जो आज याचिका में हमारी मांग जो है वो है री इन्वेस्टिगेशन की। जो CBI ने जो कार्यवाही की है दैट इज़ नॉट कम्प्लीट। देर आर सर्टन फैक्टर्स विच पॉइंट आउट दैट देर आर अदर कल्प्रिट्स इन्वॉल्व इन द क्राइम, नॉट अ सिंगल पर्सन कैन डू दिस टाइप ऑफ क्राइम। CBI ने गुड़िया रेप मर्डर मामले में 13 अप्रैल 2018 को नीलू नामक एक चिरानी को गिरफ्तार किया था। CBI ने दावा किया कि चिरानी का काम करने वाले नीलू ने गुड़िया से दरिंदगी की थी। आरोपी नीलू के खिलाफ CBI ने जुलाई 2018 में कोर्ट में चालान पेश किया। परिजन CBI की इस जांच से संतुष्ट नहीं है। गुड़िया के पिता का कहना है कि पहले CBI कहती रही कि गुड़िया रेप मर्डर मामले में कई लोग शामिल हैं, लेकिन अंत में एक चिरानी को गिरफ्तार कर अपना पला झाड़ दिया, जबकि उनकी बेटी को जिस तरह से मारा गया वह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। अभी तक 4 साल हो चुकी है गुड़िया को, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला जी। कोर्ट में जो भी है अब उन्होंने CBI ने एक ही रूपी को आगे पेश किया कि एक ही है। हमने बोला जिनके फोटो वायरल हुए वो रूपी कहाँ डाले, पहले तो 3 से 4 बोल रही थी, फिर बाद में एक पर थोप दिया केस। ये बात आपने अदालत से मांग की है कि दोबारा से जो है जांच की जाए? हमने तो की थी कि भाई शुरू में भी दी थी, एप्लीकेशन दी थी, CM से मिले थे कि भाई हमें दोबारा CBI जांच करे। CBI ने जांच के अध्यादेश दिए थे, लेटर दिए थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए आगे भेजे थे, तो जांच उन्होंने की है या नहीं की है वो जाने। आप जो CBI ने जांच करी थी शुरू में, क्या उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है जी, देखो बाकी तो संतुष्ट थे इसमें। पहले मेरे पास आई थी CBI, हम CBI ने बोला कि हम दूध का दूध पानी का पानी निकाल देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने बोला कि जी ये 4 आदमी का काम है, 3-4 आदमी का काम है। लास्ट ईयर में जब आए तो उन्होंने बोला कि जी 1 आदमी का काम है। मैंने कहा जी 1 आदमी का तो काम ही नहीं हो सकता, जंगल में एक चरानी से इतना काम कैसे के सूझना, 1 आदमी नहीं कर सकता। मैंने कहा हमने वो बात बताई थी उनको, CBI को भी बताई थी, डायरेक्टर जी वो आए थे, बड़े DSP आए थे मेरे पास बांध के ऊपर में। मैंने उनके मुंह पे बोल दिया कि मैंने कहा CBI ने कुछ काम नहीं किया, डायरेक्ट बात ये की थी मैंने उनसे, बोला था कि भैया आपने तो कोई काम नहीं किया जी।
प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। बात करें सिरमौर जिला की तो यहां कोरोना के 247 सक्रिय मामले हैं, जिस पर उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर के बरूथी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल को सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिस कारण मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मास्क का प्रयोग करें व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। सिरमौर जिला में कोविड के 247 केसेस हैं और उसमें मैक्सिमम ये देखा गया है कि जो हमारा कोविड प्रोटोकॉल है उसमें कहीं ना कहीं सभी चूक कर रहे हैं कि जब पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं बिना मास्क के जा रहे हैं, तो कृपया सभी लोग जो अपने आप को अपने परिवार को कोरोना के संक्रमण से बचाना चाहते हैं, जब भी घर से बाहर निकलते हैं प्रॉपर मास्क लगाएं कि चिन से लेके आपके नोज तक पूरा ढका हो। फॉर्मेलिटी के तौर पे मास्क ना लगाएं, अच्छी तरह मास्क लगाएं और हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग इनका पालन करेंगे तो हम अपने आपको सुरक्षित महसूस करेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 13 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षार्थियों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि जो भी परीक्षार्थी कोरोना संक्रमित होगा उसकी वार्षिक परीक्षाएं बाद में ली जाएगी। हालांकि इससे पहले बोर्ड ने कोरोना संक्रमित परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा उसी दिन अलग कक्ष में करवाने की बात कही थी, लेकिन अब सुरक्षा के मद्देनजर कोरोना संक्रमित परीक्षार्थी की परीक्षा उसके स्वस्थ होने व 13 अप्रैल से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के समाप्त होने के बाद ही आयोजित की जाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 13 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। बता दें इन परीक्षार्थियों के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड फिर से डेटशीट बनाएगा और दोबारा उनके प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा परीक्षाओं के सफलतापूर्वक संचालन में सहयोग के लिए डीसी सीएमओ सहित पुलिस विभाग को भी पत्र लिखा गया है। परीक्षार्थी का तापमान अधिक पाया जाता है या फिर उसमें कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो उस परीक्षार्थी के कोरोना टेस्ट के लिए स्वास्थ्य विभाग से सहयोग लिया जाएगा। परीक्षा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों की भी सहायता ली जाएगी। कंटेनमेंट जोन से आने वाले परीक्षार्थी भी परीक्षा में भाग ले सकेंगे। वहीं यदि किसी परीक्षार्थी के परिवार के लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, तो भी परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेगा, बशर्ते परीक्षार्थी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए परीक्षा केंद्र पर सभी छात्रों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। साथ ही परीक्षा में ड्यूटी देने वाले अध्यापकों की भी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि अध्यापकों से कोविड टेस्ट करवाने का आग्रह किया गया है और कोविड-19 फ्री अध्यापकों की ड्यूटी ही परीक्षा के दौरान लगाई जाएगी। हमने फैसला ये किया था कि कोविड पॉजिटिव भी यदि कोई बच्चे होंगे तो उन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम हम साइमल्टेनियसली लेंगे। उसके लिए अलग से कक्ष की व्यवस्था और कोविड एग्ज़ाम सेंटर में एक ऐसा बना के तो रहेगा और उसमें हमें सारी सपोर्ट प्रशासन से भी और मेडिकल डिपार्टमेंट से लेनी थी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, तो एहतियात बरतने के लिए पहले ये मामला सारा डिप्टी डायरेक्टर्स और जिला के एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल विभाग के जितने सीएमओ के रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे चर्चा की गई कि क्या हम साइमल्टेनियसली कर लें या नहीं। आशंका ये थी कि इससे पैनिक क्रिएट हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ सकते हैं कोविड पॉजिटिव तो उसमें क्या करें, तो उसमें इस प्रकार की व्यवस्था की है हमने कि जो कन्फर्म्ड केसेस हैं कोविड के उनका हम स्पेशल एग्ज़ाम एक महीने के अंदर अंदर या एक महीने के आसपास हम ले लेंगे और उन विद्यार्थियों को भी हमने एक विंडो खोल दी है कि वो ठीक है संक्रमण के काल में आइसोलेटेड रहें और बाद में उनका एग्ज़ाम। इसके लिए पेपर सेटिंग भी जैसा अभी पेपर आ रहा है उसी लेवल का पेपर रहेगा और उनका अलग से एग्ज़ाम होगा। ऐसे कुछ केसेस आते हैं जिनमें कि टेम्परेचर है या फ्लू के लक्षण है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के जब वो एग्जामिनेशन सेंटर में आएंगे तो उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी, देखा जाएगा, उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। ऐसे कोई विद्यार्थी होंगे उनको अलग कक्ष में बिठाया जाएगा और जो अध्यापक होंगे उनका भी थर्मल स्कैनिंग होगा और उनसे हमने आग्रह भी किया है कि अपना कोविड टेस्ट करा लें और कोविड फ्री जो अध्यापक होंगे उनको ही एग्जाम ड्यूटी पे रहने दिया जाए।
एसएफआई ने प्रदेश विश्वविद्यालय व सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो रही भर्तियों पर सवाल उठाए हैं। एसएफआई ने अयोग्य लोगों को यूजीसी की गाइडलाइन को ताक पर रखकर भर्ती करने का आरोप लगाया है। एसएफआई के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि इसके खिलाफ कई बार संगठन ज्ञापन भी सौंप चुका है, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके खिलाफ एसएफआई आंदोलन करेगा। एसएफआई राज्य सचिव अमित ठाकुर ने बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और प्रदेश विश्वविद्यालय भर्ती प्रक्रिया में रोस्टर का पालन नहीं कर रहा है। अयोग्य लोगों को भर्ती करके पात्र लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एचपीयू में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर एबीवीपी बीजेपी व आरएसएस के बाहरी लोगों को भर्ती किया जा रहा है। ऐसे में शिक्षा के साथ योग्यता का महत्व भी खत्म होता जा रहा है। एसएफआई इसके खिलाफ कई बार ज्ञापन सौंप चुकी है, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। एसएफआई इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। प्रदेश के विश्वविद्यालय, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला है या फिर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है या टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जो भर्तियाँ हो रही है उन भर्तियों के अंदर जिस तरीके की धांधलियाँ सामने आई है, वो आज जो है हमने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। क्योंकि हमने देखा है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर पिछले एक साल से हम देख रहे हैं जो भर्तियां हो रही है उन भर्तियों को किस तरीके से जो है उसमें नियमों को ताक पर रखने की कोशिश की जा रही है, यूजीसी के नियमों को बाईपास करने की कोशिश की जा रही है। रोस्टर सिस्टम जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए था उसको जो है दरकिनार करने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर हमने देखा है कि वहाँ पर जो है विश्वविद्यालय के अंदर जिन लोगों को भर्ती किया गया है वो क्वालिफाइड नहीं है। उन लोगों के जो है बहुत सारी जो उनके टीचिंग एक्सपीरियंसेस है उस लोग उसको जो है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। एक जो जर्नलिज्म के अंदर वहां पर प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट हुई है, पंचजन्य के अंदर जो आरएसएस का मुखपत्र है उसके अंदर वो संपादक हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन आज की डेट में वो वहाँ पर पीएचडी करा रहे हैं एज ए प्रोफेसर, वहाँ पर जो उनको नियुक्ति मिली है। इसी तरीके से फाइन आर्ट्स के अंदर एक जो प्रोफेसर के रूप में वहाँ अपॉइंटमेंट हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, वो जो सिंपल एमए है, और एक जो है बीएलएलबी है वो भी वहाँ पर जो है एज प्रोफेसर जो है आज पीएचडी करवा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च लेवल है उसके साथ भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर भी हो रहा है, यहाँ पर जो है आरएसएस और बीजेपी से संबंधित या फिर एबीवीपी की जो पुरानी लीडरशिप है वो चाहे किसी भी स्टेट की है, उन लोगों को जो है प्रायोरिटी देने के लिए, उन लोगों को जो है विश्वविद्यालय के अंदर भर्ती करने के लिए इन्होंने जो है कोई सिस्टम जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है कि एक सीट के लिए एक पोस्ट के लिए कितने लोगों को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाए। एक सीट के लिए एचपीपीएससी 5 लोगों को बुलाती है, या फिर जैसे हमारा जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है वो भी जो है उसका भी एक पैटर्न होता है, लेकिन एचपी यूनिवर्सिटी का कोई पैटर्न नहीं है। एक सीट के लिए 15 लोगों को भी बुलाया जा रहा है और फिर 15वें आदमी को जो वहाँ पर अंदर किया जा रहा है और बाकी 14 लोगों को बाहर किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी के अंदर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड लोग हैं या जो यूजीसी केयर लिस्ट के अंदर जिनके जर्नल पब्लिश हुए हैं उन तमाम लोगों को जो है इसमें जो है इन भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो है उनको बाहर किया गया है और अपने चहेतों को भर्ती देने के लिए विश्वविद्यालय का भगवाकरण करने के लिए जो है वहाँ पर अपने चहेतों को भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। राजधानी शिमला में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार और जिला प्रशासन द्वारा संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम के पार्षदों की ओर से भी कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले कैथ वार्ड में कोविड के 13 मामले सामने आने के बाद स्थानीय पार्षद सुनील धर ने लोगों से एहतियात और सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड मरीजों को दवाइयां, ऑक्सीमीटर सहित राशन और अन्य आवश्यक सामान घर द्वार पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकले और संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। कोविड के हमारे पास इस समय 13 पॉजिटिव केसेस हैं, तो इनको हम दवाइयाँ, ऑक्सीमीटर और कोई भी चीज़ इनको प्रोवाइड, जो भी इनको राशन पानी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उनके घर तक हम उनको व्यवस्था कर रहे हैं, उनके घर तक उनको पहुँचवा रहे हैं। बाकी सैनिटाइज़ हम रेगुलरली कर रहे हैं, जहाँ पे भी कोई पॉजिटिव केस आ रहा है वहाँ पे सैनिटाइज़ कर रहे हैं। उसके अलावा भी हम पूरे कैथ वार्ड को सैनिटाइज रेगुलरली कर रहे हैं। बाकी मेरी जनता से एक अपील होगी कि घरों से कम निकलें, जब ज़रूरत है आपको तब घर से बाहर निकले, अगर बाहर निकलना भी है मास्क का, सैनिटाइज़र का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए, भीड़ से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहें, घर में सबके बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों का ध्यान रखा जाए। भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा संचालित भोग योजना के तहत प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया माता बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर को गुणवत्तापूर्ण लंगर मुहैया करवाने के लिए बेहतर स्थान पर आंका गया है, जिसके लिए प्रबंधन को प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
बता दें, भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा सर्वे किया जाता है, जिसमें आंका जाता है कि मंदिरों में श्रद्धालुओं को किस तरह की गुणवत्ता का लंगर मुहैया करवाया जा रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा संचालित भोग योजना के तहत प्रसिद्ध शक्तिपीठ महामाया माता बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर को गुणवत्तापूर्ण लंगर मुहैया करवाने के लिए बेहतर स्थान पर आंका गया है। मीडिया से मुखातिब सिरमौर उपायुक्त डॉक्टर आर के परूथी ने बताया कि त्रिलोकपुर मंदिर प्रबंधन को सर्वे के मुताबिक 115 में से 104 अंक मिले हैं और लंगर की गुणवत्ता को बेहतर बताया गया है। उन्होंने कहा कि त्रिलोकपुर मंदिर में श्रद्धालुओं को दिए जाने वाला लंगर भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के मानकों पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि लंगर तैयार करने के लिए अच्छी किस्म की सामग्री इस्तेमाल की जाती है, साथ ही कारीगरों को लंगर तैयार करने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि श्रद्धालुओं को गुणवत्तापूर्ण लंगर मुहैया करवाया जा सके। जिला सिरमौर में जो हमारा श्री महामाया बाला सुंदर जी टेम्पल है त्रिलोकपुर में, उसको भारतीय खाद्य प्रसंस्करण ने जो हमारा FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इसमें भोग स्कीम है ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड, कि ऐसे स्थान जहाँ पे लंगर लोगों को प्रदान किए जाते हैं उसकी गुणवत्ता के लिए हर मंदिर को हर संस्था को जैसे लंगर अरेंज करती है FSSAI उसको सर्टिफिकेट देती है। इसमें कोई स्कोरिंग होती है, उसमें से 115 नंबर के 104 अंक हमें मिले हैं। 7 अप्रैल को ही ये हमें सर्टिफिकेट मिला है। इसका मतलब ये कि जो हमारे मंदिर में लंगर लोगों को दिया जाता है उसकी जो गुणवत्ता है उसकी काफ़ी जो हमारे FSSAI के मानक हैं उसके अनुसार काफ़ी अच्छी है। इसमें हमारे जो भी लोग वहाँ पे लंगर बनाते हैं या जो हम रॉ मटेरियल लेते हैं लंगर बनाने के लिए, उसमें काफ़ी सेफ्टी यूज की जाती है ताकि जो हम खाना खाएँ हेल्थ के लिए हमारे लिए ठीक हो। उसमें जो हमारे वहाँ पे लोग लंगर बनाते हैं उनकी ट्रेनिंग भी की गई थी। उसके बाद जो संबंधित एजेंसी है उसने वहाँ पे जांच करके वहाँ पे जो लंगर बनाया जाता है उसके आधार पर हमें ये सर्टिफिकेट मिला है। हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल खेल मैदान में पिछले 2 सालों से तिरंगा नहीं लगाया गया था, जिसके चलते छात्र संगठन NSUI ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर जिला प्रशासन को तिरंगा सौंपा। हमीरपुर उपायुक्त देवश्वेता बनिक को NSUI के प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर की अगुवाही में इकाई कार्यकर्ताओं ने मिशन तिरंगा को पूरा करते हुए तिरंगा सौंपा। साथ ही प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही तिरंगे को सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल खेल मैदान परिसर में स्थापित किया जाए। इससे पूर्व NSUI के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर एकत्रित होकर वहां स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा को भी साफ किया। हमीरपुर में छात्र संगठन NSUI ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर जिला प्रशासन को तिरंगा सौंपा। हमीरपुर के गांधी चौक पर NSUI ने अपने स्थापना दिवस पर भारतीय तिरंगे को लेकर नारेबाजी भी की और उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। बता दें कि पिछले 2 सालों से सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल खेल मैदान में तिरंगा नहीं लगाया गया था, जिसके चलते NSUI ने मिशन तिरंगा शुरू करके चंदा एकत्रित किया और 37,000 रुपये में तिरंगा बनवाया। NSUI प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर ने बताया कि काफी समय से हमीरपुर सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल खेल मैदान परिसर में तिरंगा गायब था और प्रशासन द्वारा भी तिरंगा लगाने में आनाकानी की जा रही थी, जिसके चलते NSUI संगठन ने अपने स्तर पर चंदा एकत्रित करके करीब 37,000 रुपए का तिरंगा बनवाया है, जिसे जिला उपायुक्त को सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि जल्द बाल स्कूल खेल मैदान में तिरंगा लगवाया जाए। साथ ही टोनी ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोगों का भी तिरंगा बनवाने में सहयोग देने पर आभार व्यक्त किया। आज हम लोगों ने जो है वो मिशन तिरंगा आप लोगों को ज्ञात है और आप लोगों के माध्यम से बहुत बार पहले भी जो बॉय स्कूल के ग्राउंड में जिला मुख्यालय में जो था वो तिरंगा स्थल जो था तिरंगा स्मारक जो था वहाँ पे तिरंगा गायब होने की बात उठाई थी और हम लोगों ने पिछले वर्ष जो है वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, लेकिन कुछ कोविड की प्रॉब्लम आ जाने की वजह से कोविड गाइडलाइन आ जाने की वजह से हम लोग इस कार्यक्रम को एज इट आगे नहीं कर पाए। इन सभी साथियों के सहयोग से NSUI के मेरे परिवार के साथियों के सहयोग से हम लोगों ने जो है वो यह मिशन पूरा कर लिया है। कोई तिरंगा प्रशासन द्वारा नहीं लगाया गया, हम लोगों ने 6-7 बार ज्ञापन सौंपा तो उनकी तरफ से कभी कहा गया चंदा नहीं है, कभी कहा गया कि हमारे पास झंडा नहीं है, झंडा लगाते हैं तो जल्दी फट जाता है,
और जैसा कि आपको पता है कि हमारा नारा है कि तिरंगा ही हमारा धर्म है, ट्राईकलर इज अवर रिलीजन। तो हम अपने धर्म, अपना जो देश है उसकी जो आन बान शान है उसको, उसके लिए जो है हम लोगों के हमारे साथी जो है उन्होंने मिलकर सहयोग किया, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हम लोगों ने यहाँ से इनकी जो है वो हाइट, इन्होंने जो हमने, क्योंकि पोल के हिसाब से जो था वो झंडा लगना था, तो ये 30 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा था और 24,000 से जो था वो तिरंगे की कीमत स्टार्ट थी। हम लोगों ने जो था वो 37,000 रुपये का जो था वो तिरंगा लिया है और ये भी बी सीरीज़ का है। प्रदेश संगठन की ओर से 11,000 रुपये दिए गए हैं, बाकी हम लोगों ने खुद अपने स्तर पर जो है वो इकट्ठा किया। बिलासपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या व वैक्सीनेशन की रिपोर्ट की जानकारी लेने के मद्देनजर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परविंदर सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के ट्रॉमा सेंटर हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चारों ब्लॉक्स में स्थित अस्पतालों में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर्स व बीएमओ ने भाग लिया। वहीं बैठक के दौरान कोविड के मामलों में हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जाहिर करते हुए गंभीरता के साथ काम करते हुए टेस्टिंग को बढ़ाने पर चर्चा की गई। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो जब कि कोविड शुरू हुआ था तो हमारे लिए ये चुनौती हमें बहुत बड़ी लग रही थी। हालांकि चुनौती अब भी बड़ी है, लेकिन अब हमें इससे निपटने के तरीके पता हैं। तो वो तरीके यही हैं कि आप टेस्टिंग ज़्यादा कीजिए, कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग ज़्यादा कीजिए और उनका ट्रीटमेंट ज़्यादा कीजिए। तो ये तीनों हम चीज़ें करके ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे पुलिस का पहरा है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, लोग वहाँ से बाहर ना जाएं और जो भी वहाँ पे सिम्टोमेटिक हैं उनके टेस्ट हो जाएं ताकि वो और जगह पे ना फैले। तो यही तरीके हैं, हम इनको स्ट्रिक्टली अब फॉलो कर रहे हैं। सोलन जिला के कुशल जेठी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान कुशल जेठी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा को ठेकेदारों की पार्टी करार दिया और कहा कि भाजपा खारे पानी की तरह हो गई है जिसे कोई नहीं पी सकता। उन्होंने कहा कि 40 साल तक बीजेपी में सेवा करने के बाद अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा है, नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और सरकार की कानून व्यवस्था पर कोई पकड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर चली थी, जिस कार्यकर्ता ने खून पसीना बहाकर, सबसे दुख की बात यह है कि हमने अपना बलिदान देकर पार्टी को खड़ा किया और मेरे ऐसे हजारों कार्यकर्ता ने, और ये मोदी जी भी अपनी स्पीच में बोलते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने कई परिवार गल गए जो आज यहाँ इस मुकाम पर पहुंची है। लेकिन दुख की बात यह है कि आप उनका नाम तो लेते हो लेकिन उनको याद नहीं करते, ना उनकी नीतियाँ के ऊपर आप चल रहे। जिस नीति को, जिस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, आज उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी दिशा भ्रम हो चुकी है, अपना रास्ता भटक चुकी है। और वो जो सेवा भावना थी, तप तपस्या बलिदान था सेवा करने के लिए, दीन दुखियों की सहायता करने के लिए पार्टी जो बनी थी, आज उस रास्ते से भटक कर ये केवल ठग ठेकेदारों और दलालों की पार्टी बन के रहेगी। शिमला जिला के रामपुर बुशहर में हार्प संस्था की ओर से फार्मर्स बायर्स मीट एवं शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नाबार्ड, उद्यान विभाग और मंडी समिति के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस शिविर में देश की नामी सेब क्रेता कंपनियों अधिकारियों व किन्नौर के फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनियों के प्रतिनिधियों समेत प्रगतिशील बागवानों ने हिस्सा लिया। हर्ब संस्था के अधिकारियों ने बताया कि मकसद बागवानों और क्रेता का सीधा संपर्क कराना है ताकि बिचौलिया प्रथा को कम किया जा सके। टिप्स थे वो तीन चार थे। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि जो बायर्स हैं हमारे किन्नौर का एप्पल खरीदते हैं वो, और जो हमारे किन्नौर के प्रोड्यूसर्स हैं एप्पल के, उनके बीच में आपस में तालमेल के लिए आपस का इंट्रोडक्शन हो जाए और अच्छे से जान पहचान हो जाए कि उनका बाइंग की मेथोडोलॉजी कैसी है, और प्रोड्यूसर को ये पता लग जाए कि बायर जो है वो किस क्वालिटी का फ्रूट चाहता है। आज जो हम लोग यह प्रोग्राम जो अटेंड किया था, ये हार्प की एनजीओस के थ्रू बायर सेलर मीट का एक प्रोग्राम जो कम वर्कशॉप जो उन्होंने अटेंड किया था, उसमें एज ए बायर अदानी एजुकेशन की तरफ से मैं यहाँ पार्टिसिपेट किया और यहाँ जितने भी किन्नौर के ग्रोवर्स थे उनका काफ़ी डेलिब्रेट डिस्कशन हुआ। हमने कोविड के दौरान, पिछला जो कोविड था उसमें भी हम लोगों ने लोगों को घर द्वार पर दवाइयाँ मुहैया कराई जो हमारे से हो सकता था। आगे हमारा अपने एपीओ को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे सुझाव है जो आज सुझाव लेकर हम लोग यहाँ पर आए। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही, नमस्कार।